आभा पॉल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में मुख्य रूप से काम करती है। रूपेश पॉल द्वारा निर्देशित फिल्म कामसूत्र 3D में उनकी भूमिका के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। इस फिल्म को 2013 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। साल 2019 में वह अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात में भी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। हमारी इस नई कहानी में आज जानेंगे हमेशा बोल्ड सीन देने के लिए मशहूर एक्ट्रेस आभा पॉल के बारे में विस्तार से। आभा पॉल के फिल्म करियर के अलावा उनके वेब सीरीज फैमिली और जानेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी। चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। आभा पॉल का जन्म 7 अगस्त 1979 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह फिलहाल 33 साल की है। आभा पॉल के पिता का नाम सुरेश पॉल और उनकी माँ का नाम संगीता पॉल है। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक गृहिणी है। आभा का अपनी माँ और पिता के साथ घनिष्ठ संबंध है। आभा 3 भाई बहन है। इनके भाई का नाम अंकित पॉल है और इनके बहन का नाम अर्चना पॉल है। अर्चना पॉल भी पेशे से मॉडल है। आभा पॉल ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के श्री हंसराज इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। आभा पॉल साल 2005 से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आभा पॉल ने सबसे पहले मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 2006 में मिस दिल्ली ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया और खिताब भी जीता। उन्होंने कई सारे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम किया है। आभा पॉल ने 2013 में फिल्म कामसूत्र 3D से हिंदी फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। उन्हें इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए काफी पहचान मिली। इस फिल्म को रूपेश पॉल द्वारा निर्देशित किया गया था और कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका स्क्रीनिंग भी हुआ था। इसके अलावा वह द सिटी दैट नेवर स्लीप्स और ब्लैक करेंसी सहित कई अन्य हिंदी फिल्मों में भी छोटे मोटे भूमिकाओं में दिखाई दी है। आभा पॉल कई सारे वेब सीरीज में दिखाई दी है जिनमें गंदी बात, मस्तराम, ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड, लोलिता पीजी हाउस, मोना होम डिलीवरी और है तौबा मुख्य रूप से शामिल है। वह शॉर्ट फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी दिखाई दी है। एडल्ट कंटेंट होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स में आभा पॉल को उनके प्रदर्शन के लिए लगातार सराहना मिली है। उन्होंने वेब सीरीज में अपनी बोल्ड और साहसी भूमिकाओं के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। आभा पॉल की सोशल मीडिया पर प्रेजेंस काफी अच्छी है। आभा पॉल के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आभा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निजी तस्वीरें, पेशेवर काम और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देती रहती है। आभा पॉल फिलहाल सिंगल है। उसकी पहले किसी से शादी या सगाई नहीं हुई है। हालांकि अतीत में उनका नाम कुछ अभिनेताओं के साथ जरूर जोड़ा गया है जिनमें करणवीर बोहरा और राजीव खंडेलवाल शामिल है। 2013 में ऐसी खबरें आई थी कि आभा पॉल करणवीर बोहरा को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया था और यह भी अफवाह थी कि वे शादी कर रहे हैं। हालांकि कुछ महीनों के बाद यह रिश्ता खत्म हो गया। साल 2014 में आभा पॉल के राजीव खंडेलवाल के साथ डेटिंग की अफवाह थी। दोनों को कई पार्टी में एक साथ देखा गया था और उन्हें हाथों में हाथ डाले भी देखा गया था। हालांकि आभा पॉल ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं। फिलहाल आभा पॉल सार्वजनिक रूप से किसी को डेट नहीं कर रही है। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें जल्दी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आभा पॉल की हाइट 5 फीट 8 इंच है और उनका वजन करीब 58 किलोग्राम है। आभा पॉल की आंखों का रंग काला है और उनके बालों का रंग भी काला है। आभा पॉल को डांस करना बहुत पसंद है और यह उनकी पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। आभा पॉल को यात्रा करना और नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अपने खाली समय में आभा पॉल अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है। आभा पॉल अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए नियमित वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल करती है। आभा पॉल भी अपने खाली समय में आराम करना और अपने शौक पूरा करना पसंद करती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आभा पॉल से जुड़े कुछ विवाद के बारे में। आभा पॉल से जुड़ा अभी तक कोई बड़ा विवाद नहीं है। वो मीडिया में रिपोर्ट किए गए किसी भी महत्वपूर्ण घोटाले या विवाद में शामिल नहीं रही है। हालांकि कुछ वेब सीरीज जिसमें उन्होंने अभिनय किया है जैसे गंदी बात और मस्तराम, इन वेब सीरीज के एडल्ट कंटेंट और बोल्ड थीम के लिए जरूर आलोचना की गई है। फिर भी आभा पॉल को इन वेब सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए सराहना मिली है और वह मनोरंजन उद्योग में अपना काम करना जारी रख पा रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस आभा पॉल की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। और अगर आप ये वीडियो फिर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।